हैं, हमें गाना रहे कि बहुत कुंवर हिंदुस्तानी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर धोनी से के बेटर, अरे पठान सलमान संग कैली बेमानी, अनथिया वाली सनिया दुल्हा खोजले पाकिस्तानी। भाई 12 तारीख के सानिया मिर्जा के सगाई भई, 15 तारीख के हमारे कैसेट रिलीज भइल, 18 तारीख हम भीतर 18 तारीख हम चल गए भीतर मानहानि के दावा में। अभी कल जाए रही तो हमके बुलौले रहे लो वो लोग, फिर रिपीट में आज कर टेलीकास्ट में दिखाई होकर के देखे ना, तो यही गाना खातिर हमके बुलाओ गए। 3 दिन बाद हमार कंपनी मालिक बहुत पैसा लगा के हमारे बेल करौले, मीडिया के लोग पूछल कि खेसारी जी आपने ऐसा क्यों किया। सानिया मिर्जा हमारे देश की शान है, जान है, अरे उन्होंने अपने देश का नाम इतना रोशन किया और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे जब थी तो नहीं किए, जब चली गई तब ना किए। सानिया मिर्जा के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वो लोग बोले कि जेल में थे आप कैसा महसूस कर रहे थे, ये बताइए जेल में हम कैसा महसूस कर रहे थे। मैं 2 साल पहले आई रहे का दूगो डूबा कहला से एगो मीडिया के आदमी पूछ रहा है कि आप डूब रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। हम कहें कि करो के घींच ले कर महसूस बुझा जाए, भीतर घींच लगे बुझ बुझी छोड़े। तो भैया सानिया मिर्जा जब हमारे देश में थी तो मैंने कुछ नहीं गाया, जब चली गई तो गाई। तो मैं एक शायर बोला था कि अरे करना ही था तो शाम से करती, करना ही था तो शान से करती, प्यार ही करना था तो हिंदुस्तान से करती। ये सब लोग जानते हैं कि शेख मलिक झूठा है, मकार है, अरे शादी ही करना था तो यूसुफ पठान से करती। बताइए कितना बढ़िया छाका मारता है, उनसे करती बेचारे बीर बुख संभाले हुए हैं, उनसे कर लेती तो हमको तकलीफ नहीं होता। लेकिन ये तो मोहब्बत की कशिश थी वरना शेख मलिक में बात ही क्या थी, ये तो मोहब्बत की कशिश थी वरना शोएब मलिक ने बात ही क्या थी। अरे वो तो सानिया मिर्जा थी जिसने हिंदुस्तान का ये करवा दिया वरना पाकिस्तान की औकात हो गया थी। होता है मोहब्बत जब हमार भूवर भैंस रहते I'm gonna go to the hospital.